जय हिंद, मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस गर्म मुद्दे चर्चा में। आज हम बात करेंगे कन्हैया कुमार का कांग्रेस ज्वाइन करना। कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस ऊपर उठेगा या फिर ये और नीचे जाएगा, यही एक मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर इशाद, जो कि पॉलिटिकल विश्लेषक हैं। सईद रंगरेत साहब हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने लीडर हैं, और डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। तो आइए चर्चा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताएं क्या कहना है आपका। कन्हैया कुमार ने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, इससे बड़ी हलचल सी मची हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा या यही वजह बनेगी कांग्रेस के और नीचे जाने की? जैसा कि कांग्रेस पार्टी डूब रही थी, उसमें कोई बोलने वाला नेता नहीं था, समाज में कोई जाना पहचाना ज़मीन से जुड़ा ऐसा कोई चेहरा नहीं था कि जिसको पब्लिक लाइक करती, उसमें कन्हैया डूबते को तिनके के सहारे की तरह मिल गया है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी री इमर्ज होगी उनकी वजह से। जी सईद साहब, क्या कहेंगे आप? जी, कन्हैया कुमार का जो फैसला हुआ है, कन्हैया जी ने हिंदुस्तान की एकता अखंडता को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी को एक नया ऊर्जा उन्होंने दिया है कांग्रेस में आकर के। कन्हैया कुमार जी एक अच्छे वक्ता भी हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में, कि वो हमारी कांग्रेस पार्टी में आए। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की एक सेकुलर पार्टी है और कन्हैया जी एक सेकुलर लीडर रहे हैं, वो हमेशा सेकुलरिज्म के साथ रहे हैं, इसलिए कन्हैया जी बहुत अच्छे हैं और पार्टी को एक नया ऊर्जा मिलेगा। मैं एक सवाल करना चाहूँगा नेता जी से। मैंने कहा कांग्रेस री इमर्ज हो सकती है, लेकिन अगर कन्हैया जी को सेकुलर कह रहे हैं तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। सईद जी, इरशाद जी, एक चीज़ आपको बता दें कि यही वो कन्हैया कुमार हैं जिनका एक स्टेटमेंट ये भी रहा है कांग्रेस के लिए, इनमें एक शेर कहा गया है कि बस बर्बाद हिंदुस्तान करने को सिर्फ एक कांग्रेस काफ़ी है। इस पे क्या कहेंगे, जो कांग्रेस विरोधी रहा है वो आज कांग्रेस ज्वाइन करके क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के लिए अच्छा करेगा? नहीं, जिस तरह कांग्रेस में कोई जानी पहचानी छवि नहीं बची थी उसकी तो भरपाई कर गए हैं, लेकिन अगर कहें कन्हैया जी सेकुलर है, कन्हैया जी देशद्रोह नहीं है, तो ये तो अदालत तय करेगी और जनता तय करेगी बाद में। विवेक श्रीवास्तव से मिलते हैं। विवेक जी, क्या कहना है आपका, कन्हैया कुमार का आना आपके एतबार से कैसा है? देखिए, ऐसा है कि जिस पार्टी में लोकतंत्र का इतना अभाव है कि एक ही परिवार को साम्राज्य की भांति सबको सौंप दिया गया है, उसमें एक विपरीत मानसिकता और विपरीत विचारधारा वाले आदमी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक कश्ती जो डूब रही थी उसको एक आदमी और मिल गया, अब उसको साथ लेके डूब जाएगी। कश्ती डूब रही थी, नहीं, लोगों का तो ये मानना है कि अभी प्रियंका और राहुल एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ कांग्रेस के साथ कन्हैया का मिलना, आपको क्यों ऐसा लगता है कि नैया इनकी और डूबेगी? जिस पार्टी से इतने बड़े बड़े शिक्षाविद, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और बहुत ही विचारवान व्यक्ति जिस पार्टी के सदस्य रहे हों, वो पार्टी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में अगर कांग्रेस का भविष्य ढूंढ रही है, तो ये समझ लीजिए ऐसे भविष्य पर कोई जाके क्या और टिप्पणी कर सकता है। आखिर ये बताइए, अगर लोकतंत्र का अभाव न होता इस पार्टी में, तो इस पार्टी को क्या बाहर से कोई रॉकेट या पैराशूट नेता लाने की ज़रूरत थी? और क्या वो नेता हैं, वो कुछ कर रहे हैं अभी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का इतना अभाव न होता तो कांग्रेस में आज भी नेताओं की बहुत अधिकता है, नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके सामने कठपुतली की तरह चलता रहे। जी सही जी क्या जी, हाँ, अभी हमारे बड़े भाई विवेक जी ने कहा कांग्रेस में परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है, बात सही कह रहे हैं आप, परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है। अगर कांग्रेस में परिवारवाद का सिलसिला ना होता तो आज कांग्रेस के लोगों को इस देश की चिंता नहीं होती। जिनके साथ कोई परिवार नहीं है, ले लीजिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनके पास कोई परिवार नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई परिवार नहीं, इसलिए आज उनको देश की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास परिवार है, इसलिए परिवार पूरे देश को अपना परिवार मान रही है। आपने जो शब्द कहा है
कि कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। परिवार की चिंता उसी को होगी जिसके पास परिवार है, और जो जिसके पास परिवार ही नहीं है, जिसके पास कोई औलाद ही नहीं है, कोई बेटा ही नहीं है, वो देश के बेटों को क्या बेटा स्वीकार करेगा? ये सीताराम केसरी को उठा के बाहर फेंक दिया गया था। ये है कांग्रेस का लोकतंत्र कि अगर आप परिवारवाद के पक्षपात हैं तो प्रजातंत्र को भूल जाइए। फिर कांग्रेस प्रजातंत्र की बात मैंने एक दिन राहुल गांधी अगर अच्छी स्पीच दे दें तो कांग्रेस उसकी सराहना ऐसे करती। राहुल गांधी के इस वक्तव्य को सुनिए, राहुल गांधी के इस भाषण को सुनिए। अरे क्या करें, सुन के 2 साल से सुनते ही चले आ रहे। राहुल गांधी को आपने कभी जिम्मेदारी के पद पे नहीं बिठाया, कभी आपने उनकी स्पीच को सुना है? जिम्मेदारी के पद पे बिठाने के बाद आप राहुल गांधी पर टिप्पणी कर सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना पद पे है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन ना तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ना देश के प्रधानमंत्री बने। सईद जी, राहुल गांधी ही क्यों? मैं कह रहा हूं, देश का कोई लीडर नहीं है। पहले इस बात का जवाब दे, बहुत से लीडर है किसी राज्य और भारत का। कांग्रेस के पास बहुत से लीडर है। कांग्रेस पास लीडर ना होते तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता। किसी भी राज्य और भारत का दुर्भाग्य भी इतना आगे नहीं गया है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। नहीं, आपने जो बात की क्वेश्चन की है नहीं, उसमें मैंने कहा नहीं नहीं, नेताजी अगर आप परिवार के पक्षपात हैं तो प्रजातंत्र का क्या मतलब हुआ? जब वो पार्टी प्रजातंत्र के बेस पे एक पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चूज कर सकती है तो फिर उसका क्या अस्तित्व है इस प्रजातांत्रिक देश में? इस प्रजातांत्रिक देश में तो मैं बिना परिवार के मोदी जी की पार्टी को ही मानता हूँ कि वो लोग अपना अध्यक्ष कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक तरीके से चुनते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। मोदी जी की बात की है या भारतीय जनता पार्टी की बात, परिवारवाद ही एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को यूनिट कर सकती है, पूरे देश के मुस्तकबिल को समझ सकती है। आज मोदी जी, योगी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, आज हमारा देश बिक रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, अंबानी अडवानी की क्या नाम है डेवलपमेंट हो रही है, देश के गरीब मजदूर मजलूमों के विषय में नहीं सोचा जा रहा है, तो उनके पास कोई परिवार ही नहीं है। कन्हैया जी को कांग्रेस में लाने से सब दूर कर देंगे। कन्हैया जी एक लीडर है, कन्हैया जी को देश की चिंता हुई, कम्युनिस्ट में थे, देश की चिंता हुई कि अगर आज देश की नैया कोई पार कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कन्हैया जी कांग्रेस पार्टी के नैया के साथ आए। सही जी, आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब अपनी फैमिली मेंबर में एक और इजाफा। कांग्रेस का हर व्यक्ति फैमिली कांग्रेस का फैमिली मेंबर है, कांग्रेस का हर सिपाही कांग्रेस का फैमिली मेंबर है। अगर फैमिली मेंबर रहा है तो फिर राहुल या प्रियंका के अलावा किसी और को ऊपर क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आप फिर कह रहे हैं राहुल प्रियंका के अलावा? अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को ला करके बनाया गया। अगर परिवारवाद होता तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री न बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया जी, राहुल जी ये बताइए कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से भाजपा पे क्या दुष्प्रभाव? अरे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पे, मैं भी एक आम आदमी, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। पहले तो ये बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन से उपजी हुई नकारात्मक विचारधारा जो संविधान में 42वें संशोधन के नाम से डाल दी गई थी, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया था, उसी समझौते से पैदा हुई विचारधारा को आज शामिल कर लिया गया है। तो मैं फिर से कह दूं कि कोई ड्राइंग रूम से उठ के बेडरूम में आ गया या बेडरूम से उठ के दूसरे वाले रूम में आ गया है, कोई बदला कुछ नहीं है। एक कमरे दूसरे कमरे में आ गया, मकान वही है, मकान वही है। इरशाद जी, इरशाद जी आपको मौका मिलेगा, मेरा सवाल विवेक जी से है। नहीं नहीं प्लीज इरशाद जी, मेरा कमर भाई, कम्युनिज्म को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट मींस कि अगर इंडिया में कम्युनिज्म अच्छा नहीं है तो इंडिया को रशिया से भी संबंध नहीं रखना चाहिए। अरे इंडिया नहीं, देखिए भारत, अगर आप आइडियोलॉजी की उस पे जा रहे हैं, मैं बताऊं भारत में इतनी विचित्रता पाएंगे आप कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मेन काम भी पढ़ी जाती है और इसराइल को फॉलो भी किया जाता है, ठीक है? तो उसमें ना जाए आप। विवेक जी, मेरा सवाल, आपने ये कहा कि राहुल गांधी 2 साल से बोल ही रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। सेम यही सवाल पूरे आज देश का है मोदी जी के लिए, कि मोदी जी भी सिर्फ बोल ही रहे हैं, कर क्या रहे हैं? इसमें क्या कहना? देखिए ऐसा है कि इसको आप प्योरली अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाजपा ने क्या काम किया, मेरे पास कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है, लेकिन जिन बातों से मैं जुड़ा हूँ उन बातों को मैं कहूँगा। अगर किसी कृषि के ऊपर उन्होंने कोई संशोधन पास किया है तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता, इस सोच के साथ पास किया है कि कुछ करके देखते हैं,
अगर कुछ करके देखा जाएगा, कोई चीज़ व्यवहारिकता में आएगी, तभी उसके गुण दोष का पता चलेगा। लेकिन मैं आपके उसी ओरिजिनल क्वेश्चन पर लौट रहा हूँ जहाँ कन्हैया कुमार से बात शुरू हुई थी। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए 9 फरवरी को वो सब इकट्ठा हुए। 9 फरवरी किस चीज़ का दिन है बताइए? स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, होली थी, दिवाली थी, ईद थी, बकरीद थी, क्या था 9 फरवरी को? भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सज़ा सुनाई थी उसकी बरसी का दिन था। उसके दिन इकट्ठा होना ही अपने आप में देशद्रोह है। तो जो व्यक्ति उस दिन इकट्ठा हुआ, जो अपने आप में उस दिन का इकट्ठा होना ही देशद्रोह का प्रतीक है, कुछ भी हो, उसको न्यायालय की जो सर्वोच्च व्यवस्था है उसने अगर सजा दी थी तो उसके आगे आप भी सर झुकाएंगे, हम भी, आप भी, सब लोग सर झुकाएंगे। तो जो व्यक्ति उस दिन इकट्ठा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इस नारा दिया या नहीं दिया, विरोध किया या नहीं किया, अगर उस दिन इकट्ठा हुआ तो अपने आप में देशद्रोह का सूचक है। और अगर कांग्रेस का ऐसा कोई मुगालता है, गलत फहमी है कि उसको लाने से वो चले जाएंगे, तो भैया पहले अपना तो वजूद बचा लो। जिस नाव में छेद हो जाता है उसमें बार बार आप कह रहे हैं, जिस नाव में छेद बढ़ हो गया का, सही साहब, जिस जनता पार्टी का सांसद जिसको कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये देशद्रोह है, मैं ये खाली पहले का बात कंप्लीट कर लूं कि जिस नाव में छेद है अगर उसमें 50-60 किलो वजन और रख देंगे तो और जल्दी डूब जाएगी, और जिसको कोर्ट ने भी एक्सेप्ट भी नहीं किया है देशद्रोह है, मैं पहले जमानत दे दिया है, मैं सबसे पहले आपसे क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना सत्ता, अपना शासन बचाने के लिए इंदिरा गांधी के रजीम में 42वां संशोधन करके सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड क्यों ऐड किया? आप इसका जवाब दीजिए। क्या सत्ता में रहने के लिए इतना बड़ा समझौता कर लेना जरूरी रहा होगा? कुछ तब उन्होंने एक्ट किया है, और आपने जो नहीं तो देश के हित में होगा, इसका मतलब बाबा साहब ने, एक मिनट, आपने एक बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की रचना की गई, विवेक जी एक सवाल है, किसान जो माननीय प्रधानमंत्री ने किसान एक्ट बनाया है उससे पहले जो है जीएसटी आई हिंदुस्तान में, जीएसटी का यह उपाय था कि ये जीएसटी लागू होगी, देश के गरीबों, मजदूरों, मजलूमों को सही दाम में काम दिया जाएगा। इस चश्मे की कीमत फैक्ट्री बना करके जो है 20 रुपये दे रही है। आज जीएसटी लगते लगाते सारे दुकानदार इस पर वसूली करते कराते उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? गरीब तबका का, जो लास्ट में चश्मा खरीद रहा है। ना दुकानदार का नुकसान हो रहा है, ना व्यापारी का, ना बनाने वाले का नुकसान हो रहा है। सारा पैसा भुगतान जो है आज जीएसटी का पैसा है, इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की किसानों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, मजलूमों के हित में नहीं है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में क्या क्या काम किया? मैं बताता हूँ कि जब तक कोई चीज व्यवहार में नहीं आएगी उसके गुण दोष का आपको पता नहीं चलेगा। यार इनकी इनकी शादी मत करा देना, क्यों? लड़का लंगड़ा ना पैदा हो जाए, विवेक जी मेरा सवाल, मेरा सवाल फिर बच्चे है, को ऑटिज्म ना हो, कन्हैया कुमार को लेके, मेरा सवाल कन्हैया कुमार को लेके है। कन्हैया कुमार का कांग्रेस ज्वाइन करना और उसके बाद भाजपा की तरफ से एक बहुत बड़ा चेहरा महंत जी अयोध्या के, उन्होंने, परमहंस जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 2 अक्टूबर को यानी आज के दिन 12 बजे समाधि लेने जा रहा हूं, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे क्या ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है? इसमें मैं जवाब दे रहा हूं शहीद भाई से जो आपने प्रश्न किया है। जी जी इरशाद साहब बताएं। कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से डर गई है। कन्हैया कुमार ग्राउंड मासेस से जुड़ा हुआ एक नेता है और इससे कांग्रेस का, मुझे जो लग रहा है, ग्राफ गांव लेवल पे, जनता लेवल पे उठा है और समाधि वाला प्रकरण कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की 4.5 लाख से अधिक वोटों से हारे व्यक्ति को कह रहे हैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। अरे जिसकी जमानत ना बची हो वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, पता नहीं कहां से लेकर चले आए इसे। चलिए गर्म मुद्दे में आज तक बस यहाँ पे अभी एक सवाल बना हुआ है परमहंस को लेके और कन्हैया कुमार को लेके। हम इस पूरे सवाल को लेके फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ।